आप हिम्मत है ना, आप इनके वीडियो बाद ऑन करिए अपनी क्या अपनी करेंगे आप? वीडियो ऑन करिए, आप हिम्मत है आपकी, आपको बहुत जरूरत है, वीडियो ऑन करिए टीवी पर, बोलिए कि 3 लोगों को जो मारा गया हाँ, सही मारा गया, हिम्मत इनसे है ज्यादा आपकी, वीडियो ऑन करिए अपना आप। मोहम्मद की शक्ल दिखा दो ना पहले, तब दूसरे को आप बोलना अपना है। वीडियो ऑन करिए और बोलिए अगर के यहाँ टीवी चैनल पे कि 3 लोगों को जो मारा गया वो सही है, वीडियो ऑन मारा करिए गया अपना सही आप। है, बोलो तुम। मैं हाँ तो कह रहा हूँ बोलिए पत्थर वीडियो ऑन चला के तो करके। मारा जाएगा। मैं देख रहा था एक ब्रदर जिनका नाम है द वैगाबॉन्ड, मुझे नॉन मुस्लिम दिख रहे हैं शायद, तो मैं चाह रहा था कि इनको पहला मौका दूं। वैगाबॉन्ड आप नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम है? मैं तो हाँ बिल्कुल मुस्लिम होने का सवाल ही नहीं उठता, हराम हाँ समझता तो हूँ। आपको हम पहला मौका देंगे। जी हाँ, द वैगाबॉन्ड। अरबी भाई आप बहुत देर से रुके हैं, आप थोड़ा और रुक जाइए। हाँ जी बताइए। हाँ तो अभी तुमने इतनी बातें बोली हैं कि ये इस्लामोफोब हैं और ये नफरत फैलाते हैं, तो भाई हम इस्लामोफोब हैं आज जो बिल्कुल खून हुआ है ठीक। ना, खून अस्सलाम सुन लो, अभी वालेकुम मेरी बात सुन रहमतुल्लाह। लो, जो खून जो हुआ है ना अभी, उसका खून जो है ना ये लोगों के ऊपर, ये सो कॉल्ड नफरत फैलाने वाले करियर इस्लामोफोब्स, इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं, ये खून मैं इनके बोल हाथों रहा पर भी, हूँ मैं बोल रहा हूँ बीच खून इनके बोलो हाथों पर नहीं है, बोलो सुनो, क्या बोल रहे हो जी। बोलो नहीं सुनो, बीच में बोलो हाँ नहीं, सुनने की भी ताकत रखो। मैंने बोल दिया अपनी बात, अब आपकी बात सुन रहा हूँ, बोलिए। तो हम तो खुले में कह रहे हैं कि भाई हम इस्लामोफोब हैं, लेकिन तुमको और ओके अल्लाह को जो काफिर फोबिया और मुशरिक फोबिया है वो कब जाएगा? नहीं अगर है, हम लोगों को वो कोई सब, काफिर अगर फोबिया नहीं। सुनो एक सेकंड सुनो, बीच में मत बोलो, बोला ना, पहले दूसरे की बात कंप्लीट होने दो। अगर आप बोलो कंप्लीट, तुमको अल्लाह का, फिर बीच में बोलना शुरू। बोलना इसको नहीं बोलते हैं, जब मैं आपको बोल रहा हूँ बोलो, इसको बोलना बोलते ही नहीं, आपको हजरत बोलना क्या मालूम नहीं, आप बात करने आए हो, आप अपने बात बोलो, बेवकूफ, मैं आपको 60 सेकंड दे रहा हूँ, बेवकूफ मैं इंसान है, आपको प्लीज इसको मतलब बैक नहीं स्टेज नहीं करें, ये आप लोग अपने तो स्ट्रीम पे तो आप इतना भाई, बोलने नहीं देते। नहीं, ये नहीं, इनको रहने दीजिए भाई, ये ऐसे लोग इस बात की अलामत है कि हमको टॉलरेंस पर बात करना चाहिए, आप जैसे लोग इसी वजह से तो हम ये मौजू लेते हैं, बोलिए आप हाँ बोलिए। तो अगर तुमको और अल्लाह को काफिर फोबिया और मुशरिक फोबिया है, तो इस्लामोफोबिया का रोना किस बात का है? ये तो जहालत और दोगलापन है, रोना किस बात का है भाई? अगर अल्लाह ये कहता है कि मैं काफिर हूं और मुशरिक हूं और बतौर काफिर मैं नजफ हूं, शर्जुल बरिया हूं, वर्स्ट ऑफ क्रीचर हूं, तो मेरा हक है कि मैं कहूं कि अल्लाह और अल्लाह को मानने वाला नजस है, शर्जुल बरिया है, वर्स्ट ऑफ क्रीचर है, रोना किस बात का? दोगलापन क्यों दिखाते हो? और भी बोल लीजिए कुछ। तो इसलिए ये टॉलरेंस टॉलरेंस की बातें तुम लोगों के मुंह से अच्छी नहीं लगती हैं। टॉलरेंस वहां होगी जहां म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, जहां म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है वहां टॉलरेंस का कोई सवाल नहीं है। मेरे तो सामने यानी आके बोल कत्ल, के मुझे, यानी यानी अरे इसलिए कत्ल कर देना चाहिए सबको। तो अल्लाह ने कहा है कि नहीं कहा है कि काफिर से जंग करो, और काफिर मेरा हक बन गया कि मैं अल्लाह से जंग करूं, आपके सारे अपना इल्जाम हक। हमें दिफा ही नहीं करता, इस पर हम लोग बहुत बात कर चुके हैं, आपके सारे इल्जाम है, तो क्या इसका नतीजा ये होना चाहिए कि चुन चुन के मुसलमानों को मार दिया जाए? भाई तो अगर तुम काफिरों को चुन चुन के मारोगे तो फिर काफिर भी तो रिएक्ट करेंगे। यानी आप इस अमल को सपोर्ट कर काफिरों रहे हैं, एक ट्रेन में एक बंदूकधारी चुन चुन करके 3 मुसलमानों को मार देता है, आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं जो हूं, अगर अगर एक सड़क के ऊपर प्रोसेशन जा रहा है और तुम उसके ऊपर पत्थर फेंकोगे तो मैं तुम्हारी आरती नहीं उतारूंगा, मैं पलट के ठोकूंगा। ये 3 लोग जिनको मारा गया, इन्होंने चुन चुन करके काफिरों को मारा था, भाई जो सड़क पे जा रहे थे वो अपना प्रोसेशन ये लेके जा रहे थे, तीन किसने लोग कहा जिनको था मारा भाई? गया है ट्रेन में, क्या इन लोगों ने चुन चुन के काफिरों को मारा था? जो हजारों लोग इस्लाम के ओ नाम पे, भाई अल्लाह के मैं नाम पे आपसे मरे हैं, पूछ रहा उनका हूं, धोखा ये जो किसने तीन करना? लोग जिनको मारा गया है ट्रेन के अंदर, जो क्या हजारों ये थे जिन्होंने काफिरों को चुन चुन के लोग मारा अल्लाह था? क्या और इनसे इस्लाम के पूछा नाम पे गया? मरे क्या हैं इनको उनका कायल किया धोखा गया? क्या नहीं इनके सामने दलीलें किया? रखी गई? आप ये जो 3 लोग मारे गए हैं, क्या इन लोगों ने काफिरों को चुन चुन के मारा था? करोड़ों लोग इस्लाम और अल्लाह के नाम पे मारे गए, उनका ठेका किसका है? यहां 3 लोगों को चुन करके उनकी दाढ़ी देख करके मार दिया गया, आपके मैं नजदीक उसी ये की बात सही कर है? रहा हूँ, कुछ लोगों ने कुछ लोगों को मारा तो उसकी मैं सजा, उसी की आप बात देखिए ये आप कर दहशतगर्द रहा हैं, आप हूँ। आप दहशतगर्द दहशतगर्द, हैं, अरे आप जैसे लोग मेरे दहशतगर्दी लिए फैला रहे हैं, इस्लाम दहशतगर्द आप ये कह है, रहे हैं कि दूसरों की की हुई सजा नासूम लोगों को दी जाए, आप में और बम फोड़ने वालों में, ट्रेनों में, बसों में कोई फर्क नहीं है, जैसे ट्रेनों और बसों में बम फोड़ने वाले ये बोलते हैं कि कुछ सियासी लीडरों की गलत फॉरेन इस्लाम पॉलिसी की वजह से मुसलमान मारे गए तो उसकी सजा मासूम लोगों को दी जाए बम फोड़ करके, वैसे आप लोग कह रहे का हैं कि कुछ मुसलमान अगर गलत कर रहे हैं तो उसकी सजा चुन चुन करके हर मुसलमान को दी जाए। आपसे बड़ा, आप जैसे लोग इस मुल्क के दुश्मन हैं, दुश्मन, ये आप टेररिस्ट हैं, आप टेररिस्ट हैं, ये टेररिज्म आप फैला रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मासूम लोगों को दूसरे लोगों की सजा, आप कह रहे हैं दूसरे लोगों ने जो जुर्म किया है उसकी सजा मासूम लोगों को दी जाए,
आप इस बात का सबूत है, आप इस बात का सबूत है कि इस मुल्क में आप जैसे लोग इस मुल्क के अमन के इसकी तरक्की के कितने बड़े दुश्मन है। आप जो भी बात कर लें, आप जो भी बात कर लें, आप इन तीन लोगों को मारा गया है चुन करके, आप बोलिए गलत है। आप बोलिए कि तीन लोग जो मारे गए ये गलत है, बोलिए। नहीं बोलता गलत है। हाँ बस ये आपका चेहरा है, ये आपका चेहरा है, ये आपका चेहरा। आपको रात में नींद कैसे आती है? आपको रात में आप सो कैसे पाते हैं? रात में तीन मासूम लोगों को चुन करके मार दिया गया, आप बोल रही है गलत नहीं है। आपको रात में नींद कैसे आती है? आप इंसान है, आप जानवर हैं, आप जानवर हैं। जैदबेन को ये इनके ये इनके ये आप हिम्मत है ना, आप वीडियो ऑन करिए, अपनी अपनी वीडियो ऑन करिए। आप हिम्मत है आपकी, आपको बहुत जरूरत है, वीडियो ऑन करिए, टीवी पर बोलिए कि तीन लोगों को जो मारा गया सही मारा गया। हिम्मत है आपकी, वीडियो ऑन करिए अपना। आप मोहम्मद की शक्ल दिखा दो ना पहले, तब दूसरे आप अपना वीडियो ऑन करिए और बोलिए अगर के यहाँ टीवी चैनल पे कि तीन लोगों को जो मारा गया वो सही है। वीडियो ऑन करिए अपना, बोलो तुम। हाँ बोलिए, वीडियो ऑन करके वीडियो ऑन करके बोलिए, यही बात वीडियो ऑन करके बोलिए, बोलिए कि जो तीन लोगों को मारा गया। हिम्मत है, आप जुर्रत है, आप बहुत बहादुर है, बड़ी बात कर रहे हैं। आप नाम चेंज करके, अपना चेहरा छुपा करके आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। वीडियो ऑन करिए और बोलिए कि जो तीन लोगों को मारा गया वो सही है। म्यांमार में भी यही गलत, ये बहादुरी नहीं है, ये बहादुरी नहीं है। आप जो इतना करेज दिखा रहे हैं, अपना नाम छुपा रहे, चेहरा छुपा करके ऐसी बातें कर रहे हैं, बहुत हिम्मत हवाले हैं। वीडियो ऑन करिए, अपना नाम बताइए और बोलिए कि हाँ जो तीन लोगों को मारा गया सही है। बात करके क्या फायदा है? बस आ गए आप अपनी हकीकत पर, आ गए आप अपनी हकीकत पर। इस तरह के लोग, इस तरह के लोग सबूत देते हैं कि हिंदुस्तान में अभी भी टॉलरेंस सिखाने की कितनी बड़ी जरूरत है। ये तो ये सबूत है इस बात का कि हमको इस मौजू पे बात करना चाहिए। ये तो हम लोग समझते ही नहीं थे कि इस हद तक मामला होगा। मतलब वाकई ये इस बात का सबूत है कि इस मौजू की कितनी सख्त जरूरत थी। एक आदमी पूरी बेहयाई के साथ कह रहा है कि हाँ ये तीन लोग जो मारे गए हैं वो सही हुआ। ये बहुत कम है तादाद में, ये नहीं, ये बहुत ज्यादा नहीं है। और ये चेहरा खोल के 0.1% भी नहीं होंगे, ये चेहरा खोल के कभी सामने नहीं आएंगे। ये नफरत के व्यापारी, ये दुश्मन है मुल्क के। इसमें और उस दहशतगर्द में क्या फर्क है जो किसी फॉरेन पॉलिसी, अमेरिका की किसी फॉरेन पॉलिसी या इंडिया की किसी फॉरेन पॉलिसी के का जवाब ये समझता है कि किसी ट्रेन में बम धमाका कर दो, किसी बस में बम धमाका कर दो, उनमें और इनमें क्या फर्क है? इसलिए हम कहते हैं कि दहशतगर्दी का कोई रूप नहीं है, ये भी दहशतगर्दी है, ये भी दहशतगर्दी है। इसलिए अगर आपको दहशतगर्दी से लड़ना है तो इसको एक मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए। एक नजरिया है जो हर मजहब में मानने वाले कुछ लोगों में पाया जाता है, इनका मुकाबला हमको करना है। ये हमारे मुल्क के, हमारी सारी इंसानियत के दुश्मन है ये लोग।